सब तो पहला आपां कंप्यूटर दा ब्राउज़र ओपन करना। मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया ते उस दे विच टाइप करना है getintopc.com। सो ये जिहड़ी वैबसाइट है इसनों ओपन कर लेना। इस दे विचों आपां जिहड़ा सॉफ्टवेयर आ अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दा डाउनलोड करांगे। सो इस दे सर्च बॉक्स दे विच टाइप करांगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 फॉर विंडोज़ 7, क्योंकि मैं यह जिहड़ा है 2010 वर्जन जिहड़ा है डाउनलोड करना है ते विंडोज़ 7 दे विच इंस्टॉल करना है। सो इस करके इहदियां रिक्वायरमेंट्स दे अकॉर्डिंग यह जिहड़ा है विंडोज़ 7 दे इंस्टॉल हो जाता है। सो इस करके मैं ये वाला जिहड़ा लेटेस्ट वर्जन आ जिहड़ा कि 2007 विंडो दे विच हो सकता है। सो उसनू मैं जिहड़ा आ जिहड़ा सर्च कर लिया है। सो इस दे विच जिहड़े बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिहड़े आपां नू ओपन हो जाणगे, 64-bit वाले भी और 32-bit वाले भी। ये किस तरह पता लगता, वीडियो विच बने रहो, सानू दस दिता जाएगा कि 64-bit किस नू कहिंदे आ ते 32-bit किस नू कहिंदे आ। देखो जिहड़ा जिथे 86 लिखिया आ वह 32 वाला हो सकता। सो आपां फस्ट वाला जिहड़ा ओपन कर लेना क्योंकि मेरे कंप्यूटर 64-bit का आ जिहड़ा सिस्टम टाइप आ। सो इस करके इसनू मैं ओपन कर लिया आ। ये ओपन हो गया है तो नीचे स्क्रॉल करके तुसी नीचे आ जाना है। सब तो नीचे रिक्वायरमेंट्स आपां चेक करनिया है कि ये अपने पीसी दी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सैट आ, इसनों आपां डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पीसी च इंस्टॉल हो सकता है। इस करके रिक्वायरमेंट्स चेक करनिया बहुत जरूरी होंगे। सो देखो ये 7, 8, 8.1, 10 विंडो के इंस्टॉल हो सकता है। तो 2GB रैम आ अगर थोड़े कंप्यूटर की दैन भी इंस्टॉल हो सकता। हार्ड डिस्क स्पेस अगर 3GB तक हैगी दैन भी इंस्टॉल हो सकता। अगर प्रोसैसर इंटल कोर का आ दैन ही इंस्टॉल हो सकता। अगर थोड़े इन रिक्वायरमेंट्स जीडिया घट आ, मतलब 1GB आ जा 500MB जी थी रैम आई विंडो जी XP विजटा वगैरह कोई हैगी आ, दैन फिर तुम ये वाला इंस्टॉल नहीं करना। तुम 2007 जोड़ा आ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन वो इंस्टॉल करना। सो आप कि चैक कर सकते हैं कि अपन पीसी दियाँ रिक्वायरमेंट्स आ। देखो आपको स्क्रीन के उत्ते जाना डिस्कटॉप के उत्ते, दैन कंप्यूटर के उत्ते राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के जाना आ। प्रॉपर्टी विंडो जी अपनी ओपन होगी। इस दे देखो अपनी रिक्वायरमेंट्स तुसी चैकआउट कर सकते हो। देखो इतने रैम भी दसी हुई है, 2GB रैम आ, 64-bit जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम आ, इस दे विच थोड़ी इंटल कोर दसिया होया है। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां भी थोड़े पीसी दियां सारियां थानू इत्थे मिल जाणगियां। सो तुसी इहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा है डाउनलोड कर लेना आ। सो मेरा 64-bit हैगा आ, सो इस करके मैं डाउनलोड करूँगी 64-bit वाला। सो मैं डाउनलोड बटन के उत्ते जो क्लिक किया दैन नवी विंडो एक ओपन हो रही है। तो यह डाउनलोड होना हुआ शुरू होगा तो मैनू पूछेगा कि फाइल नू कित्थे सेव करना आ। सो मैं सब तो पहले जिहड़ा अपनी इत्थे लोकेशन चूज़ करनी आ। देखो ये हुण देखो जिन्हां ने ये IDM इंस्टॉल नहीं किया होया, मैं उहदा लिंक दे विच जिहड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक दे दांगी, तुसीं उह वीडियो जरूर देख लेना IDM किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि IDM दे नाल आपां बहुत फास्ट डाउनलोडिंग कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हुंदा है सॉफ्टवेयर। सो इस करके इहनूं टाइम काफ़ी लगना हुंदा है। सो इस करके तुसीं IDM जरूर इंस्टॉल कर लेना ते IDM वाली वीडियो जिहड़ी आ जरूर एक चैकआउट कर लेनी कि IDM नूं किस तरह आपां डाउनलोड कर सकते हैं। ते दूसरी गल, ये जिहड़ा सॉफ्टवेयर आ ਉਹ WinRAR ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ WinRAR ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। देखो ये मेरी फाइल आ जिहदे उत्ते CDG बनी हुई आ, ये मेरी फाइल आ। देखो हुण ये हैगी मेरी RAR फाइल। RAR फाइल्स नूं ओपन करन दे लई सेम उही कि WinRAR होना चाहिए आ। सो इन्हां नूं अगर मैं इत्थे एक्सट्रैक्ट करदी आ, इहदियां फाइल्स नूं ओपन करदी आ मतलब, दैन फिर वो की होवेगा, इत्थे ऑलरेडी काफ़ी फोल्डर हैगे आ। सो इस करके मैं इत्थों इहनूं फिलहाल कॉपी कर लैंदी आ, इहनूं किते होर जिहड़ा आ एक्सट्रैक्ट करदी इहनां दियां फाइल्स नूं तां कि मिक्स ना हो जाण फाइल्स। सो तुसीं वी इहनूं जिहड़ा इक अलग फोल्डर दे विच जिहड़ा आ रख लैणा। मैं इत्थों इहनूं कॉपी कीता, कॉपी करके मैं इन सॉफ्टवेयर नाम दे एक फोल्डर आ मेरे को, मैं उस फोल्डर दे विच लै गई। देखो हुण इस फोल्डर दे विच ओनली एक ही फोल्डर आ जिहड़ा कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर दा। सो इस करके इत्थे मैनू पता लग जाएगा। सो इत्थे जिहड़ा मैं इनू पेस्ट कर लिया है, इत्थे कॉपी पेस्ट कर दिता इस सॉफ्टवेयर नू, ते इत्थे हुण मैं इस नू दुबारा जिहड़ा ओपन करूँगी एक्सट्रैक्ट हेयर करके। राइट क्लिक करूँगी इस दे उत्ते, पहला मैं इस सॉफ्टवेयर दे उत्ते राइट क्लिक करके तुसीं एक्सट्रैक्ट हेयर दे उत्ते क्लिक करना आ।
जो ओपन करोगे दैन जी अपनी फाइल्स आ ओपन होनी शुरू हो जाएगियाँ, सारिया फाइल्स अपन ओपन हो जाएगियाँ। तो ये विनरार सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया दैन ही हो सकती हैं। सो इस करके विनरार सॉफ्टवेयर वाली वीडियो जरूर चैकआउट कर लेना। सो देखो सारे फोल्डर अपने ओपन हो गए आ। सो नीचे ये एक फोल्डर होना आ सैटअप नाम का, इस फोल्डर के उत्ते तुसी राइट क्लिक करके जिहड़ा आ इस सॉफ्टवेयर नू इंस्टॉल करना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 नू इंस्टॉल करना, राइट क्लिक करना ये उत्ते और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के उत्ते क्लिक करना। देखो ऑलरेडी कह रहा है कि मेरे पीसी विच ऑलरेडी 2010 हैगी आ। सो सब तो पहला कहिंदे उसनू जिहड़ा आ तुसी अन इंस्टॉल कर लो इसनू इंस्टॉल करन दे लई। सो मैं इसनू जिहड़ा ओके कर दी आ और मैं अपना इसनू इंस्टॉल सब तो पहला कर दी। मैं जानी हूँ कंट्रोल पैनल दे विच स्टार्ट बटन ते क्लिक करके कंट्रोल पैनल दे विच जाके मैं प्रोग्राम एंड फीचर्स दे उत्ते क्लिक किया। दैन इतने जिहड़ा आ मैं देख लेना कि कित्थे मेरा इंस्टॉल होया होया। देखो इतने लिखा होया आ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैंडर्ड 2010। सो मैं इतने राइट क्लिक करके इनू अनइंस्टॉल सब तो पहला कर दाँगी, मतलब इस पीसी दे विचों इनू रिमूव कर दाँगी, फिर ता ही मैं जिहड़ा नवा आ उसनू इंस्टॉल कर सकती हाँ। सो मैं इसनू पहला जिहड़ा अपने पीसी दे विचों अनइंस्टॉल कर रही हाँ, अनइंस्टॉल दे उत्ते मैं क्लिक किया, दैन यह अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। यस दे उत्ते क्लिक करना, वो पूछ रहा सी एक बारी दोबारा कि तुसी श्योर हो कि करना चाहते हो अनइंस्टॉल। यस ते क्लिक करके अपना जिहड़ा है अनइंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो देखो ये अनइंस्टॉल हो चुका है, क्लोज़ कर देना इस विंडो नू। और वो पूछ रहे हैं कि तुसी कंप्यूटर नू रीस्टार्ट करना चाहते हो, रीबूट करना चाहते हो। सो हजे फिलहाल मैं नहीं करूँगी, इंस्टॉल करन तो बाद दोबारा जिहड़ा इसनू मैं रीस्टार्ट कर लाँगी। सो इस करके इसनू मैं नो कर दिता और देखो इतों अनइंस्टॉल हो चुका है। सो हुण इहनू मैं इंस्टॉल कर दिया। हुण दोबारा मैं जिहड़ा आ सैटअप नाम का जिहड़ा वो फोल्डर सीगा उसके उत्ते राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के उत्ते क्लिक करांगी। दैन हुण देखो ये थोड़ा जिहा टाइम लवेगा, इत्थे तुसी बहुत ही पेशेंस दे नाल जिहड़ा इत्थे काम करना आ। सो इत्थे तुसी फिर आई एक्सेप्ट दे उत्ते क्लिक करना आ, उस तो बाद कंटिन्यू दे उत्ते क्लिक करना आ। दैन इंस्टॉल नाओ की ऑप्शन आ जाएगी, तुसी इंस्टॉल नाओ करना आ। इंस्टॉल होना शुरू हो गया है अपने पीसी दे विच अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। सो तुसी अपनी रिक्वायरमेंट पीसी दी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग 2007 या इस तो हायर वर्जन भी जिहड़ा डाउनलोड कर सकते। सो मेरा इंस्टॉल हो चुका है, इसनू मैं क्लोज़ कर दिंदी हाँ। हमें तुहानू ओपन करके दिखा दिंदी हाँ। देखो मैं स्टार्ट बटन के उत्ते क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स के उत्ते क्लिक किया, दैन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्ते क्लिक करूँगी। इतों देखो सारे जितने भी फाइल्स आ सारिया मेरी इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो मैं इतने एम एस वर्ड जिहड़ा तुहानू ओपन करके दिखा दिंदी हाँ। जिन्ना कुछ भी अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे विच हुंदा, मतलब एक्सेस, एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड, आउटलुक, पब्लिशर, सारा कुछ इस दे विच इंस्टॉल हो चुका है, मतलब फुल वर्जन जिहड़ा आपां नूं मिल गया है। सो मैं इसी तरह एम एस वर्ड की विंडो ओपन करके तुहानू दिखा दिती है। इस तरह आपां जिहड़ा इसनू बहुत ही ईजीली जिहड़ा है अपने पीसी विच इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो एसी अज की वीडियो अगर वधिया लगी कमेंट करके जरूर दसना और वीडियो देखने दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना। थैंक यू।